हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं डैंक इंडियन मीम्स आंटी रॉक्स मीम कंपाइलेशन ट्रेंडिंग मीम्स बाय गोल्डन मीम्स 2.0। तो इसके पहले हमने सिर्फ गोल्डन मीम्स का ही देखा था वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो देखा था। देन वी आर टुडे विद गोल्डन मीम्स 2.0 और यहाँ पर लाइक आंटी रॉक्स, मतलब बीबी आंटीज के बारे में होगा ये वीडियो। एंड ऑल्सो द डैंक इंडियन मीम कंपाइलेशन है। जब हमने इनका गोल्डन मीम्स का बोल सकते हैं एक वीडियो देखा था, दैट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो टुडे वी आर हियर विद इट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज योर यूजर हेडफोन्स, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप मतलब पहले चेतावनी नहीं दे रहे दैट यू नीड टू यूज योर हेडफोन। तो आप भी बोल रहे हो प्लीज डू यूज योर हेडफोन्स, मे बी है ना कुछ हो या ना हो, फिर भी रिस्क नहीं लेना है ना। तो वी आर गोइंग टू सी टुडे आंटी रॉक्स डैंक इंडियन मीम्स कंपाइलेशन बाय गोल्डन मीम्स 2.0 एंड हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। गाइज भी लाइक लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है। तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल, ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट टॉयलेट में बैठकर? मुठ मार के दीवार पेंट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम है। रेसिज्म, लेट्स डू दैट शिट, हां कम ऑन, इफ यू आर रेसिस्ट एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। व्हाट द फक ब्रो। डायलॉग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना एक छोटी सी मिस्टेक है। एक्चुअली तेरे बाल नहीं, तेरा वेट अवकाश से ज्यादा है। मुझे ना अपने वेट को लेके जरा भी मजाक पसंद नहीं, और वैसे भी तू चाहे ना चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ा ले, पर एयरबैग्स ना हमेशा कार के टॉप मॉडल पे ही होते हैं, तेरे जैसे हैचबैक पे नहीं। मुझे सीरियसली लेना इस इंडस्ट्री में, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। या हाँ, बाहरी कोई कह रहा था कि तुम काफी पुराने हो चुके हो, इसलिए इस इंडस्ट्री को नए एंकर्स की तलाश है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कौन बोला ये? शशि रंजन जी ने। लेकिन मैंने तो कह दिया, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं होस्ट कर लूंगी। नहीं देखो चिंकी मिंकी, क्या है ये इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे वो 3-3 सेकंड 5-5 सेकंड के बूम रैंक्स बनते हैं, ये आईटीए है। यहाँ पे 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। क्या है तुम्हें इतना टैलेंट? क्या हुआ मैं? अरे दीदी देखो ना, अंकल आंटी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, कब से खोल रहे हैं? इतने दिन से बंद है ना, तो जाम हो गया होगा मैम। अरे रानी जी आप कहें तो थोड़ा हम खोल के देखें का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? क्या दरवाजा और का, आपका कपड़ा थोड़ी ना खोलेंगे। चलिए रखिए पीछे, गोई चार धक्का में तो बाप बाप करने लगेगा, गोई चार धक्का में तो बाप बाप करने लगेगा। रुको जरा, सबर करो। ये क्या उल्टा नमाज दिखा रहे तुम? ये तेरे मास्क है? अरे मास्क तो भूल गया। तू मास्क भूल गया? आगे पुलिस दिखी और तेरा चलान कटा 2000 का, तो मेरे पास नहीं तेरे 2000 देने। तू मत ले टेंशन, मैं बैठा हूँ ना, कोई नहीं पकड़ रहे पुलिस वाले, देख लूंगा मैं जो भी होगा। मिल गया लोग। क्यों मुंह फुला के बैठी हो? अब क्या गलती कर दी मैंने? गलती? शर्म नाम की कोई चीज है तुम लोगों को? गलत बात है माँ, गलती तुम्हारी बेटी की, और डांट तुम मुझे रही हो। पता नहीं कौन से शिलाजीत खा के पैदा किए हो। डायरेक्ट जवाब। और सुनिए। रोज 3 बार तेरे मेरे इधर उधर, कितने बार तो मुंह में। क्या बोला तूने? कितने बार तो मुंह में। मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट है भी और नहीं भी, मतलब यार सही है यार वो। बाबा ऐसे नहीं होता है, मैंने तुम्हें बताया ना हाउ बॉयज आर, स्टार्टिंग में सब लोग ठीक ही होते हैं, उसके बाद ना जाके बनते हैं भूखे भेड़िए। नहीं यार, आई थिंक आई कैन ट्रस्ट हिम। हाँ तो मत मान फिर, मां चुत सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, रात
हाथ ही खुला। मैंने सुना है आप लोगों को हॉट भी बना सकते हो, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही कर दो ना। बॉय, अब हर आलू की किस्मत में फ्रेंच फ्राइज बनना तो नहीं लिखा होता है। गजब बेइज्जती। ए इसी सैलून में कुछ भी दे दीजिए, थोड़ा सा कुछ भी बाल। ओह माय गॉड, थैंक गॉड, बहुत कम हो गए थे। सर के नहीं, सर के नहीं। ममता जी, आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही बोलती है। मिसेस मारवा, आप आपके हस्बैंड बिल्कुल नहीं बोलते। टीचर शोज, एक मिनट अभी दिखाती हूँ। ये मिस्टर मारवा है ना आपके हस्बैंड टिंडर पर। ये टिंडे क्या है? इस साइट पे वो अपनी टिंडे की फोटोज लड़कियों को भेजते हैं। एक बार दोबारा दिखाना। बट भैया हमें साइज ही तो नहीं पता है। आप आपके बाल पीछे लीजिए और ड्रेस टाइट कीजिए। चौतीस सी लगेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपकी भी साइज बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाला जो है वीकेंड से तो आंटी रॉक्स भैया, मतलब ये जो लड़की ने बोला है द डिनर पर मतलब ऐसा करना चाहिए एक्सपोजिंग आंटियों में, क्योंकि जो रिलेटिव्स है, जो भी आंटियां होती है बाजू के आकर इतना ज्यादा व्हाट वी कैन से इतना ज्यादा चुगलिया करते ना यार, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद सीरियसली। ऐसे अभी अभी कोविड के टाइम में मतलब बंद हुआ, कोविड के चक्कर में बंद हुआ है वी कैन से, लेकिन मैं सच में बोलूँ इतना ज़्यादा आके मम्मी को मतलब हमारे बारे में बिचिंग करते हैं, लेकिन द ओनली वन गुड थिंग इज मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हमें इतना ज़्यादा मतलब आकर आंटियाँ बिचिंग करती है। द ओनली थिंग हैपेंड लाइक दैट आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन द टेरेस वी कैन से, तो ऐसे ही मतलब जब मैं टेरेस पे थी तो आकर मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो आंटी ने देख लिया भैया उसी टाइम पे रात को मम्मी को बोला तुम अपनी बेटी को थोड़ा तमीज नहीं सिखाते, ऊपर टेरेस पे जाकर फ्रेंड से बात करे। तो मम्मी ने उनको जवाब क्या दिया, मैं इतना ज्यादा खुश कभी नहीं हो सकती मैं इन माई लाइफ सीरियसली। मम्मी ने बोला मैं अपने बच्चों को ऐसे बांध करके नहीं रखती जैसे आपने आपके बच्चों को आपने बांध के रखा, इसलिए वो भाग गई। ओ माय गॉड, दैट वाज अ डैम थिंग मैन, सीरियसली ऐसा हुआ है। एंड मैं इतना ज्यादा हंस रही थी उस दिन, बट सीरियसली माय मम्मी एंड पापा ट्रस्ट मी, दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। बट ये वाला जो वीडियो देखकर लाइक आंटी रॉस वाला, मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया मजा आया यार, फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड गोल्डन मीम्स का। इसके पहले वाला भी वीडियो हमने जब देखा था इतना ज्यादा फुल ऑन एंटरटेनमेंट था, आज भी इट इज लाइक फुल ऑन एंटरटेनमेंट, आई लव इट। तो है ना, तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।